नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लालकुआ नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में हरीश रावत ने लालकुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इसी के साथ ही प्रेस वार्ता के दौरान हरीश रावत डबल इंजन की सरकार पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दिए। हरीश रावत ने कहा कि विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी है। सहित जितने कृषि क्षेत्र हैं यहाँ के, चाहे गौलापार के हों, चाहे हमारे हल्दू चौड़ बरेली रोड इस चोरगलिया इस एरिया के हों, सब कहीं न कहीं भूसरण से बरसात में प्रभावित होते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें बरेली रोड में ड्रेनेज सिस्टम और दूसरे क्षेत्रों में चोरगलिया से लेकर के बिंदु खत्ता तक, गोलापहाड़ तक, यहाँ बाढ़ नियंत्रण के काम, फ्लड प्रोटेक्शन के काम करवाने बहुत आवश्यक हैं। हम कृषकों को उनकी फसलों के ऊपर जो संकट रहता है, हम तीन प्रकार से उसका समाधान करेंगे। एक, पहला, हम एक राज्य फसल बीमा योजना प्रारंभ करेंगे केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के। दूसरा, हम कुछ जंगली जानवर जैसे वन रोज और सुअर हैं, उनको मारने की हमने पहले भी इजाज़त दी थी, फिर से इजाज़त देंगे। हाथी रोधी दीवारें और तारबंदी करके लोगों की खेती की सुरक्षा करेंगे। वहीं हरिद्वार में खानपुर विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है, जहां बीजेपी ने प्रणव सिंह की पत्नी रानी देवयानी पर दाव खेला है। बीएसपी ने रविंद्र चौधरी तो वहीं कांग्रेस ने सुभाष चौधरी पर विश्वास जताया। इसी को लेकर हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने सुभाष चौधरी से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा सुभाष चौधरी ने, सुनिए। खानपुर विधानसभा एक हॉट सीट पर टिकी है, जहां बीजेपी ने रानी देवयानी पे दांव खेला है, प्रणव सिंह चैंपियन का टिकट काटकर। वहीं कांग्रेस ने बहुत ही सरल स्वभाव वाले सुभाष चौधरी पर दांव लगाया है। सुभाष चौधरी कितनी टक्कर दे पाते हैं, खानपुर सीट को कांग्रेस की झोली में डालेंगे या नहीं, इनसे बात करते हैं। और यहाँ ग्रामीण भी मौजूद हैं, देखते हैं कि किस तरह का माहौल है। मोदी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं खानपुर, जंगल बहुत ही दिलचस्प हो चुका है, रहेगा। और खानपुर विधानसभा जो है कांग्रेस की झोली में बहुत प्रचंड बहुमत से है। क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, लोग समस्या देख रहे हैं? यहाँ जो है, यहाँ पे समस्या ही समस्याएं हैं। खानपुर विधानसभा ऐसी गिरानी रही है, यहाँ तो समस्याओं से अलग कुछ नहीं, चाहे शिक्षा है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे महंगाई है, रोड है, पानी की समस्या है, यहाँ तो समस्याओं से अलग कुछ है ही नहीं। यदि आपको खानपुर की चिंता चुनकी है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता सबसे पहले तो ये रहेगी कि जो खानपुर की जनता वो पिछले 20 साल से मान सम्मान के लिए तरसती रही है, सबसे पहले तो मान सम्मान लौटाने का काम करेंगे सुभाष चौधरी जी। सबसे कुछ लोग मौजूद हैं, आसिफ भाई पुराने कांग्रेस में है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस ने एक नारा दिया है, तीन मुख्यमंत्री बन रहे हैं प्रदेश के लिए, लेकिन हमारी विधानसभा में सबसे ज्यादा फिट बैठ रहा है वो नारा, जो तीन तिगाड़े काम बिगाड़े हैं इस समय प्रत्याशी मौजूद है, हमेशा से बिगाड़ते हैं। मतलब पब्लिक को वोट लेने के, वोट लेते हैं लेकिन पब्लिक का, बसपा बीजेपी और तीन कैंडिडेट जहाज वाले हैं, इस समय तीन कैंडिडेट बीजेपी के हैं, तीनों बीजेपी के हैं और एकमात्र यही स्थिति प्रदेश में, यही हमारी विधानसभा, इससे ज्यादा और साफ प्रदेश।
क्या नाम है प्रेमी आपका? क्या नाम है आपका? जैसा जी क्या कहेंगे चौधरी साहब को किस तरह का समर्थन मिल रहा है? चौधरी साहब को समर्थन मिलेगा बहुत आलीशान से। खुदा करे इन पर ऐसी बहार आए कि चमन का हर फूल मुबारकबाद देने। किसान नेता भी हैं अखिल भाई, इनसे बात करते हैं। अखिल भाई क्या कहेंगे? जो खानपुर की जनता, और जहाँ तक मेरा कहना है किसान भाई जैसी उम्मीद कर रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, और लोगों की खानपुर की अपेक्षा भी जनता की चौधरी सुभाष जी की, वो प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाकर भेजा, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कांग्रेस पार्टी का। पूरी हमारी लल्लाई मट्टी की जो जनता है वो इनके साथ रहेगी, जनता साथ रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनता बोल रही है कि जनता उनके साथ रहेगी, लेकिन ये आने वाली 14 फरवरी को पता चलेगा कि उनके पक्ष में कितना वोट आता है, और 10 मार्च को निर्णय आने के बाद पता चलेगा कि कांग्रेस की सीट यहां से निकलती है नहीं। अपने सहयोगी विनोद के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। चमोली में विधानसभा चुनाव को पारदर्शिता से संपन्न कराने के लिए मीडिया प्रमाण और निगरानी समिति स्थापित की गई है। प्रत्याशी राजनीतिक दल को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप आदि पर गीत, वीडियो संदेश और ग्रुप संदेश आदि का प्रचार प्रसार किए जाने से पहले जिला एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य है। ऐसा न करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो कमेटी है, चुनाव आयोग की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये, और वर्तमान जो परिदृश्य है जिसमें कि ओमिक्रॉन का खतरे को देखते हुए इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आप जैसे कि चुनाव आयोग की जो नई गाइडलाइन भी है कि आप डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी कम से कम लोगों की इसमें व्यवस्था है केवल, और रैलियाँ भी कथित जमीन रुकी हुई हैं। तो MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी के रूप से के नाम से जानी जाती है, और इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे दो रूप से बनाई जाती है। इसका मुख्य रूप से कि मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में प्रत्याशियों या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किसी भी भ्रामक बातों का ना प्रचार किया जाए, किसी प्रकार से कुछ वायलेंस की बातें प्रचारित ना हो, किसी का चरित्र हनन हो, इस प्रकार के हम सभी बातों का ध्यान में रखते हुए मीडिया MCMC कमेटी जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी DM सर के अंडर में है, 7 लोगों की कमेटी और 21 अन्य कार्मिक है इसमें, और 24 घंटे इसमें निगरानी बनाए रखे गए हैं। हमारे पास टेक्निकल स्टाफ इसमें नैनीताल में पार्टी के प्रत्याशी हेमारे ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों घोटालों की सरकार है। इस दौरान हेमारे बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसे और कहा कि आम आदमी पार्टी भेदभाव नहीं करती, आप पार्टी अगर मुझे चुनाव में लड़ाएगी तो ठीक है, और अगर डॉक्टर भुवन चंद आर्य को लड़ाएगी तो भी ठीक है। तो हमारे ये तो अच्छा, जनता ये कह रही है कि दल बदल से वोट पाएंगे? देखिए जनता, मैंने 22 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक दिन में किसी को आए भारी व्यक्ति को आगे, जिन्होंने 44 साल कांग्रेस में रह करके उन्होंने छोड़ा और मेरे एक दिन में टिकट खा दिया, और उसके बाद मैंने 5 साल इधर मेहनत करी तो यहाँ टिकट ले। तो ये तो यहाँ पर पैसों से ये लोग कर रहे हैं ना काम, पैसों से इन्होंने ये फैला रखा है उत्तराखंड और दिल्ली में, तो इसको आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में, जनता का आगमन आए को टिकट दे देगी पार्टी, हम उनके साथ हो जाएंगे। दिनेशपुर के प्राथमिक चिकित्सालय में पिछले 3 दिनों में कोरोना RT-PCR टेस्ट में 15 से 18 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। उस पर चौंकाने वाली बात यह हुई कि 1-2 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे ने कहा कि 3 दिन में करीब 15 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव RT-PCR टेस्ट में पाए गए हैं। उनमें 2 साल का बच्चा जो अमेरिका से आया है वो भी पॉजिटिव है। बच्चे के माता पिता नेगेटिव हैं, सबको होम आइसोलेट किया गया है। पिछले दिनों ये 3 दिन का रिकॉर्ड है जिसमें RT-PCR में पॉजिटिव आए हैं लोग। कुछ जिला अस्पताल में हुआ है और कुछ गदरपुर CSC में जांचें हुई हैं, तो इनमें सबको होम आइसोलेशन कर दिया गया है और मेडिसिन किट प्रदान की गई है। जो 2 साल का बच्चा है वो अमेरिका से आए हुए हैं पेरेंट्स के साथ, तो उनमें
आरटीपीसीआर में ही पॉजिटिव आए हैं, तो इनको भी दवा दे दी गई है। और माता पिता इनके? माता पिता की रिपोर्ट निगेटिव आई है। जसपुर में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कांग्रेस बीजेपी बीएसपी सहित आम आदमी पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। चारों उम्मीदवारों पर बिना अनुमति के जुलूस निकाली और कोविड नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। जसपुर कोतवाली में दर्ज किए गए मामले के तहत कांग्रेस प्रत्याशी आदेश चौहान, बीजेपी प्रत्याशी और डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, बीएसपी प्रत्याशी अजय अग्रवाल, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी ने समर्थकों संग अपने अपने चुनाव कार्यालयों में मंडी समिति तक बिना अनुमति के जुलूस निकाला था, जिसके तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, नामांकन के दिन में संज्ञान में आया, हमारे एफएसटी के द्वारा संज्ञान में लाया है कि भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बसपा और आर इनकी प्रत्याशियों के द्वारा, जबकि जुलूस बंद है, उनके द्वारा जुलूस निकाला गया था। तो इसी के कारण से भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल, कांग्रेस की प्रत्याशी श्री आदेश चौहान, आपके प्रत्याशी श्री यूनुस मोहम्मद यूनुस और बसपा के प्रत्याशी अजय अग्रवाल, इन पे एफआईआर दर्ज की गई है। लक्सर बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें बीएसपी प्रत्याशी आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को मूंछ रखने वाला गुंडा बता रहे हैं। बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने कहा कि चंद्रशेखर की पार्टी में मूंछ रखकर रहने वाले लोग गुंडा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को लेकर बसपा प्रत्याशी शहजाद से बात की तो उन्होंने अपनी इस वीडियो को एडिट वीडियो बताया। साथ ही मोहम्मद शहजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी पूर्व विधायक मोहम्मद तस्लीम, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, वो भ्रमित हो रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की शैक्षिक योग्यता एमकॉम बीएड है, और माननीय शहजाद जी ने जिस प्रकार का बयान दिया है वो बहुत ही गलत तरीके से उन लोगों ने दलित समाज के प्रति जो मानसिकता दर्शाई है वो किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी संगठन उनके इस बयान का खंडन करता है, और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जिसको पूरे देश में पहचान मिली है, और इस देश का युवा चंद्रशेखर आज़ाद साहब को नेता मानता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दोराय नहीं है। और 21वीं सदी के महानायक के रूप में और दलित पहचान के रूप में चंद्रशेखर आज़ाद ने लोगों को दिखाया है, और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर भी उन्होंने दिखाया है कि चंद्रशेखर आज़ाद को दलित समाज का युवा के साथ साथ बहुजन समाज के लोग नेता मानते हैं। राउत जो कहा था वो वीडियो पूरी आपने नहीं देखी, ना ही वो पूरी चल पा रही है। उसको अगर आप पूरी देखेंगे तब आपको पता लगेगा मेरा दूसरे लोग कहना क्या था और उसका मकसद क्या है। बीच में से थोड़ा सा हिस्सा काट कर थोड़ा सा जोड़ने से वो वीडियो नहीं हो जाती है, वो एडिट करी हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। मुझे सभी का सम्मान करना है। तस्लीमी मेरे बड़े भाई रहे हैं, आज वो थोड़ा भ्रमित है किन्हीं लोगों के संपर्क में आकर के, और जनता है भ्रम तोड़ देगी। अगर मैं भ्रम में हुआ मेरा टूटेगा, तस्लीम भ्रम में होगा तस्लीम का टूटेगा, जो भी भ्रम में होगा उसका भ्रम टूट जाएगा। ये जनता सब जानती है, और मैं समझता हूँ पत्रकार भाई हैं आप भी जानते हैं क्या हालात हैं। देहरादून में चुनाव को लेकर क्या माहौल है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाओं की क्या राय है, ये जानने की कोशिश की देहरादून से हमारे संवाददाता निशी भाटिया ने। इस दौरान क्या रही लोगों की प्रतिक्रियाएं, आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। उत्तराखंड की सियासत जो है बिल्कुल गरमाई हुई है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो लड़कियों लड़ सकती हूँ ये नारा आपने सुना होगा, बीजेपी बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ यह आपने भी नारा सुना होगा, लेकिन इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी में महिलाओं को लेकर क्या जोश चल रहा है इस 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, उसी को जानने हम महिलाओं से खुद उनकी राय जानने आए हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर जो महिलाओं का हाथ है वो किस पार्टी की हो रहा है, क्या राय है महिलाओं की इस बार चुनाव को लेकर।
कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की मलाई चख सकती है महिलाओं के वोट को लेकर, इसी चीज पर हम राय जानने आए कि महिलाओं को लेकर कौन सी पार्टी ऐसी है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है और महिलाएं किस पार्टी को वोट देकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो हमारे साथ मौजूद है महिला, तो हम आपसे जानेंगे कि लगातार सियासत जो गरमा रही है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दे रही है, बीजेपी दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और कहीं ना कहीं महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमा देने की बात भी आम आदमी पार्टी कर रही है, महिलाओं का चर्चा हर एक पार्टी कर रही है, लेकिन आपकी क्या राय है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर कि कौन सी पार्टी जीत सकती है और आप क्या चाहते हैं? मैम देखिए, कौन सी जीतेगी कौन सी नहीं जीतेगी ये तो अभी भविष्य में छुपा है। रही बात महिलाओं की भागीदारी के लिए, तो आप उन पार्टियों से भी सवाल कीजिए जिन्होंने 70 विधान, मैं उत्तराखंड की बात करूँगी खाली, 70 विधानसभा सीटों पर कितने परसेंट महिलाओं को टिकट दी है, और एज मतलब बींग अ कॉमन मैन, किचन बहुत महंगी है, सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं। जी मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दूं कि कांग्रेस ने जो अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने, तो कांग्रेस ने 5 महिलाओं को सीट दी है, जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दे रही थी हमारे पड़ोसी राज्य में, और उसकी भनक कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी लगी, उसके बाद बीजेपी ने 8 दी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? परसेंटेज इतना है, 30% भी नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं तो भेदभाव है, और वो चलिए उसको भी हम छोड़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि जब नॉर्मल जो मतलब कॉमन वुमन है उनका होता है किचन, बजट हमारा बिगड़ाता है क्योंकि आपने गैस के दाम आसमान को छू रहे हैं, एडिबल ऑयल्स हैं और जो भी घरेलू सामान हम लोग यूज़ करते हैं उसकी कीमतें इतनी है कि बजट कहीं ना कहीं गड़बड़ जाता है, और हर इलेक्शन के बाद एक उम्मीद बनती है कहीं ना कहीं कोई रिलीफ मिलेगा, बट रिलीफ जो पार्टी देगी वो जीतेगी। और रही बात जैसे आप कह रहे हो कि 1000 रुपये, बट बात वही आती ना, 1000 रुपये दोगे कहाँ से, रेवेन्यू कितना कैसे जनरेट करोगे जो आप फ्री में लोगों को बांटोगे? फ्री में मत बांटो, आप चीज़ों की कीमतें कम कर दो ताकि उनको थोड़ा सा सपोर्ट मिले। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी ऐसा कर सकती है कि महिलाओं को 1000 रुपये ना देकर उनके लिए कुछ सोचे? मैम सोचता तो कोई भी नहीं है, किसी पर्टिकुलर पार्टी को तो बोलूँगी नहीं, बट यह है कि सबका अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे एजेंडा देखेंगे तो एक ही है, चलो तो अपने मतलब उनको ये है कि हमारी पार्टी आ जाए, उसके बाद वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात है। अब सबने अच्छे अच्छे लोक लुभावन वादे किए हुए हैं, जैसा कि आपने बताया कि पहले वादे करते हैं उसके बाद मुकर जाते हैं वो चुनाव के बाद, तो कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी ऐसी है कि जो चुनाव आते ही पलट जाएगी और महिलाओं को लेकर जो बड़े बड़े वादे कर रही, कौन सी पार्टी आपको लगती है मुकरने वाली? मैं मुकरने वाली मैं बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं किसी को एक पर्सनली नहीं बोलना चाहती, ये है कि कहीं ना कहीं मतलब जैसे अगर आपने 100% किया तो आप 80% ही देते हैं उसका, मतलब पूरा तो कभी देंगे ही नहीं, कम ही मिलता है, तो देखते हैं अब कौन आता है कैसे होता है। क्योंकि आपके हिसाब से आप किसको वोट देने वाली हैं? मैम मैं पार्टी को नहीं दूंगी, मैं कैंडिडेट को वोट दूंगी क्योंकि मुझे जो लगता है जो डिजर्विंग है, जिसने अपने क्षेत्र में काम किया है और जो अपने क्षेत्र के मतलब जो क्षेत्रवासियों की समस्याओं को इसको पता है और जिसने निराकरण किया है काफ़ी हद तक पिछले 5 सालों में, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं तो उसे वोट देना चाहूँगी। जी मैं आपके पास आती हूँ, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका वोट किस पार्टी को जाने वाला है? मेरा तो किसी को भी रुझान मेरा किसी की तरफ भी नहीं है, जो काम करेगी वो ही वोट लेके जाएगी। कौन सी पार्टी काम करेगी फिर आपके लिए? मुझे नहीं पता ना कौन सी पार्टी, अगर मैं इतनी भविष्यवाणी करती तो मैं चाय क्यों बेचती, मैं अपना भविष्य खुद ना जान लेती। पर आपने जिस तरीके से कहा कि कौन सी पार्टी आएगी, हाँ वो देखेंगे ना क्या हो रहा है, विकास क्या नहीं, अभी तक हमारी पेंशन ही नहीं लगी है, दोनों बुजुर्ग इंसान है, जब मेरा काम नहीं हो रहा तो मैं पार्टी को क्या सपोर्ट करूंगी, ये बताइए ना। हम दोनों, मेरे हस्बैंड अपाहिज हैं, वो बेड पे पड़े हैं और मैं अकेली चाय का काम करके सरवाइव कर रही हूँ, तो कैसे कर रही हूँ मुझे ही पता है मैं कैसे सरवाइव कर रही हूँ। जैसा कि हर चुनाव में महिलाओं की जो भूमिका है उसका कुछ एक अहम महत्व होता है, महिलाओं का, लेकिन महिलाओं का यहाँ पे तो शोषण हो रहा है बेटा, यहाँ पे तो मैं देख रही हूँ शोषण हो रहा है यहाँ पे, तो जब एक महिला अपना चाय बेच के काम कर रही है गुजारा कर रही है तो सरकार को क्या दिखाई नहीं दे रहा है? इतने मेरे इंटरव्यूज आ रहे हैं, इतना मेरा अखबारों में आ रहा है, सरकार कुछ कदम ही नहीं उठा रही है। तो महिलाओं के शोषण की आपने बात की, तो बीजेपी की सरकार इस वक्त तत्कालीन सरकार है, तो इस हिसाब से आपके
क्या काम रुके हुए हैं और बीजेपी को आप वोट दोगे नहीं दोगे? मैं ये कह रही हूँ मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही है ये बात। आप किसको वोट दोगे, बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी? मैं नहीं कह सकती बेटा, मैं नहीं कह सकती कि मैं किसको वोट दूंगी। उस टाइम पता नहीं क्या दिमाग में आता है क्या दिमाग में नहीं आता। अच्छा, तो आप जिसको भी वोट देंगी तो उसके पीछे क्या वजह होगी, मेन क्या कारण होंगे? मेन वजह यही होगा जो भी मेरी पेंशन इस टाइम लगवाएगा वही मेरे वोट का हकदार होगा। तो अब जैसे कि चुनाव आ रहा है, लगातार जो महिलाएं हैं और भी जो नेता राजनेता हैं वो लगातार महिलाओं को लेकर सारे काम करेंगे, अब तो सबकी मनमानी होगी और सबके जो रुके हुए काम होंगे सब पूरे होंगे, तो आपका आपको तो लग ही रहा होगा कि आपका भी काम हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि कोई भी सरकार आए काम तो करेगी, लेकिन वही है ना कि जो भी सरकार आती है वो सिर्फ 5 साल तक सीमित हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि अब 5 साल तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, तो इसलिए कोई काम नहीं होता। तो मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर महिलाएं किसको वोट देने वाली है इस बार? कोई भी सरकार है हम तो भैया जो बताएंगे उसी में देंगे, जो सरकार हमको देंगे उसी को देंगे, मेरा कोई कतन नहीं है। बच्चा है, बिरहान हो रखी है, बड़े बड़े हैं, कई की शादी हो रखा, बच्चा नहीं पाल, काम धंधा है नहीं बाबू। तो कहीं ना कहीं आपका बेरोजगारी मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव को लेकर? हाँ जी, मुर्दा रहेगी, मेरे चुनाव होगा जिसको देंगे तुम यका को हो जाएगा, जनता सब होगी इकट्ठा, देख एकता होगा, यकमा दो ना, यको को दो वोट, एक जीतेगा वो निर्णय करेगा, ये बोलेगा यहाँ दे मेरा वोट से क्या होगा, है ना? पर कहीं ना कहीं महिलाओं का एक वोट भी बहुत काम का है। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हर एक सफलतापूर्वक आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, पर कहीं ना कहीं पुरुष जो है इस बार खड़े हैं तो महिलाओं का हाथ उसमें जरूरी है, तो आपका क्या मानना है इसमें कि आपका किस पर हाथ है, बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी या कोई अन्य दल? कोई भी होगा, मैं आँख नहीं देखता, अंगूठा लगाना जो बताएगा उसी में लगा ले। तो मतलब आप भेड़ चाल में चलेंगे, अपना आपका निर्णय नहीं है इसमें कोई? अब मैं नहीं जानता बाबू, मैं नहीं जानता कुछ, वोट का जो बताएंगे उसमें लगा दूंगा। तो मतलब आपके जो विधानसभा क्षेत्र में जो विधायक हैं वो आपको जो बोलेंगे आप वो करेंगे? हमारा प्रधान पुरधान मेरा कोई नहीं है, प्रधान को मैं पूछते नहीं है, जब मेरे काम नहीं करे मैं क्यों पूछूं? जब मैं पानी का लोटा नहीं मंगा सकता तो ये बड़ा काम करेंगे मेरा जी? तो क्या लगता है आपको कि कौन सा काम नहीं हुआ आपका अभी? मेरा कोई काम नहीं हुआ, घर मेरा पिछले साल टूट गया, अभी तला नहीं बनाया प्रधान ने, तो मैंने क्या लेना उस प्रधान का? तो वो प्रधान जीतेगा आपकी विधानसभा से या नहीं? नहीं जीतेगा, वो नहीं जीतेगा, नहीं। कौन सी पार्टी से वो प्रधान? अब पता नहीं कौन सी पार्टी है भाई, कांग्रेस है कि भाजपा है कि नेता लोग बहुत रहते हैं। कहाँ से आप? मैं झारखंड से हूँ बाबू। अच्छा, तो आपकी पड़ती है राजपुर विधानसभा? राजपुर विधान, हाँ जी। तो कहीं ना कहीं आपके खजानदास जी है? अब जेपर बताएंगे उसी में लगाते बाबू, हमें ऐसा नहीं कि कांग्रेस लगाओ या भाजपा लगा या बीजेपी लगा, जो हमारे सेवा करेगा पहली घर बना देगा तब मैं वोट मेरे एक वोट जी। तो जैसा कि हमने बोला, नाम है बिमला थापा। अच्छा, ये देखो कार, ये तो हमने जिस तरीके से बताया इन्होंने कि कहीं ना कहीं जो भी इनका प्रधान है, जो विधानसभा का जो भी विधायक है, वो कहीं ना कहीं इनके क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है, इनका काम सारे रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका वोट भी जो है वो इनके घर में कम से कम 4 वोट है, और वो देखते हैं किसको जाएंगे, देखते हैं महिलाएं और क्या चाहती है। तो आपसे भी जानती हूँ 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, इस बार कौन सी सीएम और कौन सी पार्टी इस बार सत्ता की मलाई चखेगी? कौन सी पार्टी कौन देगा? पब्लिक जो वोट देगी, जो 5 साल इनको देख लिया है, इन्होंने क्या करा है, ये सत्यानाश कर दिया है। और महिलाओं की भागीदारी कह रहे हैं कि महिलाओं का जो भी पार्टी कहती है महिलाओं को हम इतने परसेंट देंगे, जैसे कांग्रेस ने कहा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, बीजेपी वाले कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ बचाओ, नहीं है बेटी तो बेकार है, ना पढ़ाओ ना बचानी तो है ही है, वो तो खैर ऊपर वाले ने दे रखी है, क्या पढ़ानी चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ानी चाहिए, कोई कुछ दे रहा है ना, नौकरियाँ ना कुछ है। और पहले तो इनको चाहिए अपना मैनिफेस्टो रजिस्टर करवाएं,
अगर ये मैनोफेस्टो में कहते हैं ना हम महिलाओं के लिए इतना योगदान है, इतना हम महिलाओं को करेंगे, तो करें ना, तो महिलाओं को क्यों नहीं दे रहे सीटें। मैं आपसे जानना चाहूंगी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या है मानना, कौन सी पार्टी को आप वोट देने वाली? हम तो कांग्रेस से हैं जी। कांग्रेस को? क्यों कांग्रेस को? क्योंकि हम शुरू से उसी के साथ हैं। तो आपको उनके विकास कार्य अच्छे लगते हैं? हाँ। तो कुछ आप मुझे गिना सकती हैं लगभग कि कांग्रेस कार्यकाल में ये काम अच्छा हुआ? ऐसे तो मोदी कर रहा, जनता पार्टी कर रही बढ़िया बढ़िया काम। तो आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी काम अच्छा कर रही, पर आप वोट कांग्रेस को दोगी क्योंकि शुरू से आप उनको? नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अब देखते हैं क्या करें, काम तो यही बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि महिलाओं का जो वोट है वो बहुत अहम होने वाला है इस बार, महिलाओं का हाथ जो होगा इस बार पार्टी को जिताने में वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो मैं आपका एक वो कीमती वोट जानना आई हूँ, किस पार्टी को जाएगा? देखेंगे, आपका तो हाथ जनता पार्टी का लग रहा। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो लगातार हम लोगों से बातचीत कर ही रहे हैं और ये भी जानने की हमने आपको कोशिश की है कि किस तरीके से महिलाएं लगातार जो कहीं ना कहीं पार्टियां सारी पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने का एक दावा कर रही है, हर किसी के मैनिफेस्टो में महिलाओं का जिक्र ज़रूर है क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनाव में महिलाओं की भी अहम भूमिका होने वाली है, महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा इसमें एक पॉइंट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक दिलचस्प बात होगी कि 2022 विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होने जा रहे हैं। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, नमस्कार। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।